अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आपका हायाबुसा लेना कब से ड्रीम है और साथ ही साथ आप पैसे कहां से ला रहे हो इतनी महंगी बाइक के? तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 3 अप्रैल 2021। मैं हूँ अभी गुड़गांव में। थोड़ी देर पहले मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में डाला कि भैया Q&A वीडियो शूट कर रहा हूँ, फटाफट से क्वेश्चन पूछो, तो दबा के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस चैनल का ये सेकंड Q&A होने वाला है। पिछला मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था, लगभग मेरे ख्याल 1 साल हो गया होगा। तो मैंने सोचा चलो यार एक साल में एक बार तो बना देना चाहिए। तो इस 2021 का Q&A वीडियो आ गई है फाइनली। कैमरा की बैटरी मेरे व्लॉग शुरू करते ही शहीद हो गई, तो अब मैं फ़ोन से व्लॉग करूँगा जब तक ये चार्ज नहीं हो जाती। इन महाराज को देखो बेड पे आके उल्टा लेट गया, बस अभी से गुदगुदी करते रहो, काम नहीं करने देगा मेरे को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है साई आर्या ने, आपका नेक्स्ट हाउस कैसा होगा? तो यार जहाँ पे भी मैं शिफ्ट करूंगा वो ऐसा ही कुछ होगा, 2 BHK या 3 BHK। मुझे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं चाहिए, जितनी स्पेस अभी मेरे पास है उतने से मैं खुश हूँ। बट रीजन आपको पता ही है मैं क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ, ब्रूनो का हिप डिस्प्लेशिया। तो बस मेरे को मेन चीज पे ध्यान देना है कि फर्स्ट फ्लोर पे हो या फिर ऊपर की फ्लोर पे हो भी तो बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हो, ताकि इसको नीचे ऊपर ले जाने में सीढ़ियों का यूज ना करना पड़े। अगला क्वेश्चन जो है ना भाई, इसने तो दिल जीत लिया, आर यू हैप्पी? तो यार देखो मुझे नहीं लगता हर कोई हमेशा खुश रह सकता है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, मेरी लाइफ में भी चलती रहती है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो इस टाइम पे मैं खुश हूँ, इतना वो नहीं है, मतलब समझ रहे हो, प्रॉब्लम्स हैं, जानता हूँ ब्रूनो की हिप डिस्प्लेशिया है, गेम सुपडोटेन स्टोर बंद होता होने वाला है, उसका स्टॉक बिकेगा नहीं बिकेगा उसकी टेंशन है, बट छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आपका हायाबुसा लेना कब से ड्रीम है और साथ ही साथ आप पैसे कहाँ से ला रहे हो इतनी महंगी बाइक के? ये चीज मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी है कि बाइक के जो टोटल अमाउंट है उसमें से कुछ पैसे मेरी मम्मी दे रही है और कुछ पैसे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स में से निकाल के बाकी बची कुछ EMI करवा लूंगा। प्राइस आपको याद ही होगा, मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि UK का आ चुका है अराउंड 16 लाख कुछ हजार का, तो इंडिया में वही 18 से 20 लाख की आएगी और अप्रैल एंड तक उसकी बुकिंग शुरू होगी, बाकी जून एंड तक उसकी जो है वो डिलीवरीज देने लग जाएंगे। वैसे अपनी बात बताऊं ना तो अराउंड 2019 से ही जो है मेरी इनकम अच्छी खासी स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से ही मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था एंड लास्ट ईयर से ही मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ अपस्टॉक्स गोल्ड का। आप ना इस एक सिंगल ऐप से अपने सारे इन्वेस्टमेंट मैनेज कर सकते हो, जैसे कि गोल्ड हो गया। अपस्टॉक्स गोल्ड से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है, यहाँ पर आपको 99.9% प्योरिटी वाला 24 कैरेट गोल्ड खरीद सकते हो। अपस्टॉक्स गोल्ड एक बहुत ही इजी टू यूज ऐप है एंड इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, विच इज लव्ड बाय मेनी पीपल अक्रॉस मेट्रो एंड स्मॉल टाउन्स आल्सो। आप जहां चाहे जब चाहे ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड खरीद और बेच सकते हो, बहुत ही इजी और स्ट्रेस फ्री है। और सबसे अच्छी बात है इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एज लो एज 1 रुपीज और सिक्योरिटी की तो आप टेंशन लो ही मत बिल्कुल भी, क्योंकि आपका गोल्ड स्टोर्ड रहता है 100% सिक्योर्ड वॉल्ट्स में, इसलिए आपको अपने गोल्ड की सेफ्टी की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वैसे इनका आपको बेस्ट पार्ट बताऊं, जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हो ना ज्वेलरी स्टोर से, वहां पर आपको 5 से 8% का मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है, जो आपको अपस्टॉक्स गोल्ड में बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। बस हाँ 3% का GST जरूर लगता है। सबसे अच्छी चीज अपस्टॉक्स पे अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है भाई लोग, आप भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत ही इजीली मोबाइल ऐप की मदद से। इस ऐप का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपको एक राय देता हूं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी तक शुरू नहीं की तो भाई जल्दी से जल्दी कर लो। अगर मेरी तरह फ्यूचर में कोई ऐसी आपका भी शौक है बाइक लेने का या गाड़ी लेने का कुछ भी, जैसे मैं अब फाइनली अपना हायाबुसा का ड्रीम कंप्लीट करने वाला हूं, बस 2-3 महीने रह गए जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और थोड़ा सा चैनल मेरा ग्रो करने लगा, तब से काफी लोग प्रमोशन के लिए बोलते हैं। तो उसी चीज से रिलेटेड अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी टैलेंटेड यूट्यूबर्स हैं जिनके व्यूज कम आते हैं उनको मैं प्रमोट क्यों नहीं करता? तो यार देखो सिंपल सा आंसर है, अगर मैं एक को करूंगा तो दूसरा बंदा कहेगा मेरे को क्यों नहीं किया, तीसरा बंदा कहेगा मेरे को क्यों नहीं किया। इसी तरह से मेरे 9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 9 लाख में से 1 लाख तो होंगे भाई जो यूट्यूब यूज करते होंगे। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी ईमेल करते हैं जिनके चैनल पे ना 2-3 वीडियोज है और कुछ है ही नहीं भाई, 1.5 साल में उन्होंने 2-3 वीडियोज जो है वो सिर्फ डाली है और ईमेल आ जाता है कि भाई प्रमोट कर दो। तो चाहे आपने 2-3 डाली हो चाहे 200-300 डाली हो, देखो मैं प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि एक का करने पर दूसरे को फिर लगता है कि वो उसका व्यू कर रहा है, ये है वो है। और दूसरा सबसे मेन रीजन है, चलो ये मेरी साइड से नहीं है बट आप खुद सोचो ये बात, अगर मैं आपका चैनल प्रमोट करता हूं आपके सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं व्यूज आ जाते हैं, तो कल को जाके आप जब एक बड़े यूट्यूबर बनोगे तो आपको ये नहीं लगता दूसरे लोग कहेंगे यार इसको तो अनमोल ने प्रमोशन दिया था, अनमोल की वजह से इसके सब्सक्राइबर बढ़े थे?
तो वो आपको लगता है आप अंदर से कभी खुश हो पाओगे उस चीज को सुनकर कि अब मेरी बात ले लो, मैंने 4 चैनल खड़े करे भाई, आज तक किसी से प्रमोशन नहीं लिया, कोलैब करे भी तो अपने इक्वल वालों से ही करे, और वो भी कितने 2-3 कोलैब होंगे आज तक, तो मेरे को पता है आज मेरे मुंह पे या पीछे से कोई भी नहीं बोल सकता कि यार इसने तो उससे प्रमोशन लिया था, उससे शाउट आउट मांगा था, इसलिए आज इसका इंडियन बैग पे करिए, ये सब चैनल चल गए हैं। तो ये दिल को ना थोड़ी तसल्ली मिलती है। शुरू शुरू में आपको लगता होगा कि व्यूज आ जाएंगे, मजा आ जाएगा, सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, बट लंबे टाइम पे सोचो, इवेंट्स में मिलोगे आप लोगों से तो सब तो यही कहेंगे ना कि यार उसको शाउट आउट दिया था, उसने स्वाइप अप डाला था, उसने अपनी वीडियोस में प्रमोशन किया था, इसलिए आज लोग इसके साथ जुड़े हुए, इसने खुद की तो कुछ मेहनत ही नहीं है, तो अपनी मेहनत को भी क्यों वेस्ट करवाना। लगेगा टाइम, कोई बात नहीं, मैंने 4 साल से मेहनत करी है, जब जाके आज तक 1 मिलियन भी नहीं हुए, तो भाई करो ना, 4 महीने में आप तो ऐसे सोचते हो कि 10 लाख हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, मेहनत करो पूरी। कल को ब्रूनो अपना यूट्यूब चैनल बना लेगा, ये इंस्टाग्राम पेज बना देगा, ये कहेगा मेरे को शाउट आउट दो, ये तो कहता रहता है कि मेरा इंस्टाग्राम पेज बनाओ, लोग भी कहते हैं, पर मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि इसको फिर शाउट आउट देना पड़ेगा, अब शाउट आउट नहीं दूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, तो मैंने कहा इसलिए इससे अच्छा इसका इंस्टाग्राम पेज बनाते ही नहीं है। अब मैंने एक व्लॉग में बताया कि मैं घर चेंज कर रहा हूँ, तो उसमें भी काफी लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि आप बार बार घर चेंज क्यों कर रहे हो, आपकी इनकम भी अच्छी है, आप खुद क्यों नहीं घर खरीद लेते, इंस्टेड ऑफ बाइंग कार या बाइक्स वगैरह आप एक घर लो। तो यार मैं चलो आपके साथ ना एक वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो जरूर देखना आप, उसमें बताया हुआ है कि जिस एज में मैं हूँ उस एज में रेंट पे रहना एक समझदारी वाला ऑप्शन है, या फिर अपना खुद का घर ले लेना। देखो खुद का घर लेने के लिए आपको पहले डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी पड़ेगी, ठीक है, अच्छी खासी, उसके बाद आपको हर महीने ईएमआई भरनी पड़ेगी। अब मान लो ये फ्लैट है, इस फ्लैट की एक्चुअल वैल्यू है 60 लाख रुपीज के आसपास, इसका रेंट समवेयर अराउंड 15,000 से 20,000 रुपये पड़ता है, ठीक है, तो अगर मैं मान लो मोटा मोटा 20,000 भी दे रहा हूँ यहाँ का रेंट, और अब यही सेम केस लगा लो मुझे ये फ्लैट खरीदना है, तो मुझे पहले कम से कम नहीं तो भाई 12 से 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी पड़ेगी 20%, फिर 80% जो है वो ईएमआई में जाएगा, यानी कि अराउंड 48 लाख रुपीज़ के आसपास उसकी भी ईएमआई कितनी जाएगी, वो रेंट से ज़्यादा ही होगी। तो वो मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आपको एक वीडियो दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो पूरी देख लेना, उससे आप समझ जाओगे ये फाइनेंशियली रेंट पे रहना क्यों अच्छा है एज कम्पेयर टू अपना घर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाई हैवंट यू इंस्टॉल्ड एनी गॉड्स आइडल इन योर न्यू कार। यार मुझे कोई भगवान जी की छोटी सी मूर्ति लेनी है गाड़ी के लिए, बट जिस दिन से डिलीवरी लिया ना तब से मैंने ये बालाजी का तो लगा ही रखा है, और माता रानी की चुन्नी भी लगी थी, ये मम्मी लाई थी तो उसी दिन से ही मैंने लगा लिया था। बाकी जल्दी से इस परफ्यूम को हटा के यहाँ पर लगाएंगे साई बाबा की एक फोटो या फिर कोई मूर्ति। फिलहाल तो मैं स्टोर जा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन वहीं पर ही निपटाएंगे। पंद्रह बीस मिनट तो नीचे गाड़ी की पार्किंग ढूंढने में ही लग गए, बट आना गाड़ी में ही था क्योंकि ये इतने सारे मैं खाली डब्बे उठा के लाया हूँ। अब इसमें थोड़ा बहुत सामान भरना है, SSD प्रोसेसर वगैरह, आपको पता है ये बंद कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैत्रे शाह ने, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट बिजनेस आफ्टर क्लोजिंग गेम सुख स्टोर। यार दिमाग में अभी एक दो बिजनेसेस तो है, बट मुझे नहीं लगता अभी मैं 5-6 महीने तक कुछ भी एग्जीक्यूट करूंगा उनमें से, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें निपटानी है, जैसे कि स्टोर का जितना भी स्टॉक है वो सारा का सारा निकालना है, जितने पैसे अटके हुए हैं वो वापस लेने हैं, और प्लस उन पैसों को कहीं और लगाना है, प्लस में जो मेरे आगे के 2 प्लान्स हैं ना बिजनेस के, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हो सकता है वो मैं नवंबर या दिसंबर के अराउंड कर दूं उसको, मतलब उस पर काम शुरू भी क्या, नवंबर दिसंबर तक तो शायद से अच्छे से लॉन्च कर ही देंगे, और देखते हैं बाकी उसका फ्यूचर कैसा रहता है। वैसे इससे पिछला जो मैंने Q&A किया था ना इंडियन बैकपैकर में, उसमें मैंने आप लोगों से ही वीडियो क्लिप्स मंगवाई थी मुझसे क्वेश्चन पूछते हुए, इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी में कर दिया अनाउंसमेंट, तो इसलिए वीडियो क्लिप्स वाला नहीं रखा, बट पक्की बात है इस चैनल का जो 3rd Q&A होगा वो वही वाला होगा, जिसमें आप अपनी शक्ल से वीडियोस रिकॉर्ड करके मुझे भेजोगे और उनको मैं फीचर करूंगा व्लॉग में, मतलब कि Q&A में उनका आंसर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सविता कुमारी ने, ड्रीम प्लेस टू ट्रैवल। मेरी ड्रीम प्लेस 3 है, आयरलैंड, एम्स्टरडैम और हाल फिलहाल में ग्रीनलैंड भी। पहले मेरी खाली एम्स्टरडैम थी, फिर आयरलैंड के बारे में जब मैंने देखा पढ़ा तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लगी, वहाँ पर भी जाना है मुझे पक्का, और साथ ही साथ ग्रीनलैंड भी है, तो ये दोनों तो मैं एक साथ ही मार दूंगा ट्रिप, आयरलैंड और ग्रीनलैंड की। बाकी एम्स्टरडैम का प्लान तो मेरा 2020 में ही था, बट कोविड की वजह से मैं जा नहीं पाया,
इस साल का देखते हैं, जो भी होता है वो आगे ही पता चलेगा। वैसे ना मेरी शादी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हेन विल यू गेट मैरिड और द गर्ल वाज योर चॉइस और योर मॉम चॉइस, बेसिकली मतलब लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज करोगे। तो एक व्लॉग में मैंने तो मम्मी के सामने आपको दिखाया ही था कि मम्मी ने कहा था कोई बात नहीं तू ढूंढ ले, तो इसलिए हमको कोई मिल गई तो लव मैरिज के लिए भी राजी है मम्मी, मतलब घर से तो पूरा चिल सीन है। आपकी यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट कब और कितनी आई थी? तो अराउंड 2018 की बात है, एक साल हो चुका था लगभग मुझे यूट्यूब पे। अनमोल जायसवाल वाला जो मेरा चैनल है टेक वाला, उस पर मेरी इनकम आई थी $100 या फिर $1.2 की। तो आपको पता ही है मिनिमम $100 होने चाहिए एडसेंस अकाउंट में, तभी आप बैंक अकाउंट में उसको ले सकते हो। तो जैसे ही 100 हुए थे उस पूरे साल के मेरे $101 जुड़े थे बस। सोच लो स्टार्टिंग में ढाई साल मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कमाया, महीने के 5-6 हज़ार रुपये कमाया करता था। उसके बाद से तीनों चैनल धीरे धीरे चलना शुरू हुए, तब जाके रेवेन्यू बना। व्हाट चेंजेस डज यू हैव आफ्टर डेली व्लॉगिंग? डेली व्लॉगिंग के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए मेरी लाइफ में। जैसे मैं बीच में तो इतना आलसी हो गया था कि पूरा दिन पड़ा रहता था बेड पे, कहीं बाहर नहीं निकलता था, कुछ नहीं, बस गेमिंग रूम में ही शूट करा, एडिट करा, डाल दिया। बट जब से इंडियन बैकपैकर पे ज़्यादा एक्टिव हुआ ना और एजे गेमिंग पे छोड़ सा दिया है और अनमोल जायसवाल पे भी कम कर दिया, तो इससे क्या हो रहा है मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहा हूँ नया, क्योंकि व्लॉग के लिए कॉन्टेंट चाहिए तो बेड से उठना पड़ता है। ये तो है नहीं हर दिन बेड पर पड़े पड़े व्लॉग बनाऊंगा और लोग देखेंगे, है ना। तो इसलिए बाहर निकलता हूँ, काम करता हूँ बहुत सारी चीज़ें, घर जाता हूँ काफ़ी, इधर उधर भटकता रहता हूँ। तो अच्छी हो गई है लाइफ मेरे हिसाब से, तो हेक्टिक है बिल्कुल है भाई, मतलब पूरा सुबह से लेकर रात तक इधर उधर भटको, कंटेंट शूट करो, फिर रात को आके एडिट करो, थंबनेल सेट करो, अपलोड पे लगाओ अगले दिन 11 बजे के लिए। तो है हेक्टिक बट मज़ा आ रहा है, पहले से लाइफ अच्छी हो गई है। किसी को अगर मैकेनिकल कीबोर्ड लेने हैं ना 2-2.5 हज़ार की रेंज में, एक नंबर का कीबोर्ड है एंटी स्पोर्ट्स का, इसमें बस नम पैड नहीं आता, तो छोटा साइज भी है, आपके छोटे से टेबल पे भी फिट हो जाता है और मस्त है रिस्पॉन्स इसका। मैं खुद एंटी स्पोर्ट्स का MK3000 बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, आपने मेरे सेटअप में देखा ही होगा। बाकी जिसको बिल्कुल सस्ते में ये कंट्रोलर चाहिए, वायर्ड वाला है एंटी स्पोर्ट्स का GP100, ये भी आप ले सकते हो हमारी वेबसाइट से। इसके अलावा भी हेडफोन्स की तो भरमार लगी पड़ी है सस्ते में, 700-800 रुपए के गेमिंग हेडसेट लाइट वाले, तो gamesook.in का जो लिंक है वेबसाइट का नीचे दे रखा है, फटाफट से ऑर्डर कर दो, स्टॉक की क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड है, बिल्कुल क्लियरेंस वाली सेल है, इसलिए हम आए हुए रेटों पे बिल्कुल दे रहे हैं। बस आपको शिपिंग कॉस्ट अपने एंड से देनी है, मतलब जैसे अगर कोई हेडफोन 700 रुपए का आया है तो उसमें हम 100-150 रुपए की जो भी शिपिंग लगेगी वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं आपसे और आए हुए रेटों पे ठप। इनकम से रिलेटेड तो मेरे से हद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इन भाई ने पूछा, आर यू ओवर स्पेंडिंग कंसिडरिंग योर इनकम? मोर देन 50% शुड बी सेव टू सिक्योर फ्यूचर। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप, कम से कम 50% या 50% से ऊपर तो हमें अपना जो है सेव करना चाहिए। नहीं, गलत कह रहे हो, सेव नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। आज से 3-4 महीने पहले तक मैं अपनी पूरी इनकम का 20-30% ही इन्वेस्ट किया करता था, बट पिछले 2-3 महीने से थोड़ी अक्कल आई जब से गेम सुख से काफ़ी लॉस होने लगा, और इसके अलावा 2-3 ब्रांड्स थे जो बंद हो गए, जिनसे मेरी काफ़ी सारी डील्स पेंडिंग थी या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे बट एंड मोमेंट वो कैंसिल हो गए। तो उससे पता चला भाई पैसों की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ही मतलब है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए फिर मैंने 3-4 महीने से अपनी जितनी भी इनकम होती है उसका 50-70% इन्वेस्ट करने लग गया। अब उसको मैंने एज अ SIP बना लिया है, मतलब मंथली EMI कट जाती है, तो वो ऐसा नहीं है कि मेरा मन है या नहीं है देने का, वो कटनी है भाई 1 तारीख को। तो इसलिए जितने अकाउंट में पैसे होते हैं वो 1 तारीख को गुल हो जाते हैं, उसका 20-30% बचता है, जिसमें से घर के खर्चे, इधर उधर रेंट वेंट देना होता है, EMIs देनी होती है, वो सब निकल जाती है, और जो थोड़ा सा अमाउंट बचता है वो भैया कपड़े उपड़ों में या खाने में लगा देता हूँ। इनकम के साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी बहुत लोग पूछते हैं, क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं? नहीं। जब भी आप अकेले जाते हो तब हॉस्टल चूज करते हो, बट किसी के साथ जाते हो तो बजट होटल चूज क्यों नहीं करते? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मेरे साथ कोई और भी जा रहा है तो भाई उसकी भी सुननी पड़ेगी, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, हो सकता है वो दूसरा बंदा या बंदी जो भी है, मतलब बंदी तो घर गई नहीं, बंदा है वो मेरे साथ कंफर्टेबल ना हो हॉस्टल्स में रहने में या बजट अकोमोडेशन में रहने में। तो इसलिए भाई दोनों तीनों जितने भी लोग होते हैं सबकी सहमति से एक डिसीजन लिया जाता है। वही अगर मैं अकेला जाता हूँ तो सारा का सारा मेरे पे डिपेंड करता है, मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, कहाँ खाना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे मैं हॉस्टल ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है भैया जी कि मैं BMW कब ले रहा हूँ और नेक्स्ट सोलो राइड कब कर रहा हूँ? तो बाइक राइड तो यार अभी थोड़े टाइम बाद ही होगी, क्योंकि गर्मी इतनी खतरनाक है, मेरे ख्याल से मई जून के आसपास शायद से मैं लद्दाख जाऊँगा,
तो वही बाइक ट्रिप होने वाली अगली, उससे पहले शायद से क्रेटा में मैं इधर उधर भटक लूंगा कहीं पे। बाकी BMW की बात रही तो 1250 GS से लेंगे, क्योंकि अभी तो जून तक तो अपनी हायाबूसा ही आएगी, उसको भी कम से कम 6-7 महीने चलाएंगे, एक साल चलाने मतलब रखूंगा वो हमेशा के लिए, उसको बेचूंगा नहीं, बट कम से कम 6-7 महीने के बाद ही कोई नई बाइक लूंगा। देखते हैं वो तो इनकम सोर्स कैसा रहता है उसके बाद, अगर तरक्की हुई जिंदगी में तो BMW भी ले लेंगे, रेंज रोवर भी ले लेंगे बिल्कुल। चलो भाई खत्म करते हैं आज के व्लॉग को, नींद भी आ रही है मेरे को और एडिट भी करना है, ये स्टोर का बहुत काम होने लग गया आजकल, तो सुबह से शाम तक वहीं पे ही लगा रहता हूँ मैं, इसलिए ज़्यादा व्लॉग भी नहीं शूट कर पाता, आई होप आप लोग समझोगे। इसके अलावा भाई लोग आप भी अपस्टॉक्स गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट खोलना भी बिल्कुल फ्री है, तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे रखा है वो चेकआउट कर लेना, साथ ही साथ ऐप का भी लिंक दे रखा है वो डाउनलोड मार लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय। Something sweet about your eyes when you feel safe. Yeah. You keep running away. Owe it to yourself, to there. Just try.